Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about risk factors of colon cancer. Basically, anything that increase your chance of getting colorectal cancer is a risk factor. Risk factor basically kya cheez hai jo ke cancer के चांस को यानी कैंसर होने के चांस को जो इंक्रीज़ कर देती है चीज़, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं. कोलोरेक्टल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें एज फर्स्ट है. बेसिकली मोस्टली डायग्नोसिस इन पीपल जिनकी एज 65 से 74 ईयर होती है, यानी ओल्ड एज में इसके अकरेंस के चांस ज़्यादा होते हैं. किस चीज़ के? कोलोरेक्टल कैंसर के. द सेकेंड थिंग इज़ रेस. सो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं उनमें कोलोन कैंसर का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है अमंग ऑल रेशियल ग्रुप्स, राइट? यानी अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको कैंसर होने के चांस ज़्यादा है इस कंपेयर टू एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड. सो नेक्स्ट थिंग है ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज. यानी ये भी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है. यानी ओबेसिटी होना, मोटापा होना, बिल्कुल एक्सरसाइज का ना होना, ना करना. डाइट जो है, ईट अ लॉट ऑफ रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, इसकी वजह से भी, इसके इनटेक की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है इज़ द सेम एज़ एक्सरसाइज का ना होना, एक ही जगह बैठे रहना, इसकी वजह से भी ये भी रिस्क फैक्टर है कोलोन कैंसर का. सिगरेट स्मोकिंग है एज़ वेल एज़ ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, राइट? सो अब स्टेजेस आ जाती हैं कैंसर की. कितनी स्टेजेस हैं? बेसिकली स्टेज ज़ीरो जो है वो अर्लीस्ट स्टेज है, कार्सिनोमा इन सीटो जिसको कहा जाता है. हेयर एबनॉर्मल सेल्स आर ओनली इन द इनर लाइनिंग ऑफ कोलोन और रेक्टम. बेसिकली स्टेज ज़ीरो अर्लीस्ट स्टेज है, ये वो स्टेज है जहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं अक्यूमुलेट होना, या नॉर्मल सेल्स चेंज हो जाते हैं इंटू एबनॉर्मल. सो ये स्टेज में जो कैंसर है वो ओनली इनर लाइनिंग पे कोलोन या रेक्टम के प्रेजेंट होता है, स्प्रेड आउट नहीं हुआ होता. और ये स्टेज है जो कि इस स्टेज में 90% कैंसर जो है वो क्योरेबल होता है, यानी कि बॉडी क्योर हो सकती है फ्रॉम कैंसर, राइट? सो स्टेज वन जो है इसमें कैंसर और एबनॉर्मल सेल्स जो है पेनिट्रेट द लाइनिंग और म्यूकोज ऑफ कोलोन और रेक्टम. यानी कि यहाँ पे स्टेज वन में बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो इनर लाइनिंग और म्यूकोज ऑफ कोलोन और रेक्टम में पेनिट्रेट करते हैं एंड मे हैव ग्रोन इंटू अ मसल लेयर, जहाँ पे मसल लेयर बनाते हैं, लेकिन इस स्टेज में भी स्प्रेड आउट नहीं हुए होते, राइट? स्टेज टू जो है कैंसर स्प्रेड करता है टू वॉल ऑफ रेक्टम और कोलोन. स्टेज टू में स्प्रेड होता है, स्टेज टू में बेसिकली यहाँ पर कैंसर जो है वो स्प्रेड करता है, ग्रो करता है और एक्सटेंड करता है इनर लाइनिंग पे, सॉरी एडजेसेंट लाइनिंग पे. किसकी? कोलोन और रेक्टम की. यानी इस स्टेज में पेनिट्रेट करता है लेकिन स्प्रेड नहीं होता, लेकिन स्टेज टू में ग्रो भी करता है और एक्सटेंशन भी स्टार्ट कर देता है. एक्सटेंशन बेसिकली कहाँ होती है? थ्रू द वॉल ऑफ कोलोन और रेक्टम इंटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर, राइट? स्टेज थ्री में बेसिकली कैंसर हैव मूव टू लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड में जब कैंसर लिम्फ नोड में मूव करता है कैंसर स्टेज थ्री में, और कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमनली स्प्रेड करता है थ्रू लिम्फ नोड्स के थ्रू. लिम्फ नोड के थ्रू एडजेसेंट ऑर्गन को इजीली ये अटैक कर सकता है. सो स्टेज फोर में क्या होता है? ये एडवांस स्टेज है, मोस्ट एडवांस स्टेज. कैंसर इज़ स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स जिस तरह के लिवर और लंग. ये वो स्टेज है जहाँ पे कैंसर कम्प्लीटली बॉडी के ऑर्गन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और पूरी बॉडी में वी कैन से स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाता है एडवांस स्टेज में. मोस्टली ये वो स्टेज है जहाँ से क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस कम्पेयर टू अर्लियर स्टेजेस, राइट? So this is all about risk factors and stages. In the next video, we will discuss test to diagnosis. Thanks for watching.